नमस्कार, मैं हूं मनोज तिवारी और आप देख रहे हैं बुंदेलखंड एक्सप्रेस न्यूज। तो आइए शुरुआत करते हैं दिनभर की कुछ खास खबरों के साथ। सागर की बांद्री पुलिस ने 81 लीटर अवैध शराब जब्त की है। शराब माफिया पर लगाम लगाते हुए बांद्री पुलिस की एक पखवाड़े में दूसरी बड़ी कार्रवाई है। बांद्री पुलिस ने कुछ दिन पहले ही 55 लीटर अवैध शराब पकड़ी थी। थाना प्रभारी सुमेर सिंह जगीर ने बताया कि पुलिस अधीक्षक सागर द्वारा आगामी चुनाव को देखते हुए अवैध शराब विक्रय एवं परिवहन पर प्रभावी कार्यवाही हेतु लगातार निर्देश दिए जा रहे हैं। क्षेत्र में जुआ सट्टा एवं अवैध शराब परिवहन बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुखबिर से सूचना मिलने पर अनुविभागीय अधिकारी पुलिस खुरई के नेतृत्व में चन्नू उर्फ चरणजीत लोधी के घर के बाड़े में सर्च करने पर अवैध रूप से भारी मात्रा में शराब मिली। सोयाबीन के खेत में फसल के नीचे 9 पेटी शराब, प्लेन मसाला शराब कुल 81 लीटर कीमती करीब 45,000 रुपए मिली, जिसे मौके पर जब्त कर पुलिस ने आबकारी एक्ट की धाराओं में प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। आनंद रजक, बुंदेलखंड एक्सप्रेस न्यूज, बांद्री। कितनी शराब पकड़ी है सर? मैं दिनांक 28/9/2023 को पुलिस को सूचना मिली कि ग्राम मेहर में चन्नू चरणजीत सिंह लोधी अपने घर में अवैध मात्रा में काफ़ी संख्या मात्रा में शराब रखे हुए हैं। जो सूचना पर तत्काल वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराकर मौके पर टीम रवाना की गई, तो मौके पर चन्नू चरणजीत लोधी पुलिस को देखकर मौके से भागने को हुआ, इसका पीछा किया और जो बाड़े में सोयाबीन की फसल में देखा उठाकर, तो उसमें 9 पेटी मसाला शराब कीमती करीब 45,000 रुपये की पुलिस को मिली, जो पुलिस ने जब्त करके आरोपी चन्नू चरणजीत लोधी के खिलाफ धारा 34(2) आबकारी एक्ट के तहत मामला पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया है। शराब कहां से और किस प्रकार से वहां पर आई हुई, इस संबंध में भी पुलिस द्वारा विवेचना की जा रही है। जो भी नाम इसमें सामने आएंगे उन पर भी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। आपकी सर पदस्थिति के बाद से ये एक बार 55 लीटर शराब पकड़ी, इस बार भी बड़ी मात्रा में शराब पकड़ी है। जैसा कि आगामी समय में विधानसभा चुनाव प्रस्तावित है, जिसके तहत पुलिस मुख्यालय भोपाल एवं पुलिस अधीक्षक महोदय सागर द्वारा लगातार अवैध शराब विक्रय व परिवहन पर कार्रवाई करने हेतु निर्देशित किया गया है, उसी के पालन में लगातार वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में ये अभियान चलाया जा रहा है। जहाँ भी इस प्रकार की अवैध गतिविधि की सूचना मिलेगी, पुलिस उस पर तत्काल कार्रवाई कर एक्शन लेगी। थैंक यू सर। थैंक। फिलहाल के लिए इतना ही। बुंदेलखंड की ताज़ा तरीन तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए बुंदेलखंड एक्सप्रेस न्यूज के साथ।